नमस्कार साथियों, मैं अचन स्वामी सफल कोचिंग सुजानगढ़ से। मित्रों, रीट का एग्ज़ाम हो चुका है, अब आगे वाली वैकेंसी जो आएगी वो आएगी सेकंड ग्रेड आएगी या फर्स्ट ग्रेड आएगी, ये फाइनल है। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे सेकंड ग्रेड के जो ओल्ड पेपर हैं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2011 ये ओल्ड पेपर आरपी साइड से मैंने लिया है और इनके दो पार्ट में अपन देखेंगे क्योंकि एक पार्ट में खूब बड़ा हो जाएगा। चलो आते हैं अपन क्वेश्चनों पर। तो मित्रों, ये अपन का सामाजिक विज्ञान का पेपर 2011 का है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया एसएसटी में है, ये देख लो एक बार। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल पाकिस्तान में स्थित है। तो मित्रों, दिमाबाद महाराष्ट्र में है, राइट होगा इसका 3 नंबर। एक बार आप पढ़ लेना, रोक रोक के पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। वैदिक साहित्य में सभा समिति और विदत नामक संस्थाएं वो मिलती है ऋग्वेद में, कहाँ पे मिलती है, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रत्यय समूह उत्पाद, ये क्वेश्चन है नंबर 3, प्रत्यय समूह उत्पाद निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत माना गया है। तो मित्रों, ये माना गया है बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया। तो ये रीट में क्वेश्चन शायद पूछा गया, तो ये है आपका चंद्रगुप्त। कौन है, चंद्रगुप्त, जिसने जैन धर्म धारण किया और अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण किया। क्वेश्चन नंबर 5, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। तो ये मिलती है अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, अशोक के क्रोष्टी में लिपिबंध अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो क्रोष्टी के जो लिपि हुए हैं वो हैं दोस्तों पाकिस्तान में और अपन के ब्राह्मी लिपि में। भारत में पूछ लिया अशोक के जो लिपिबंध अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में और पाकिस्तान में हुए हैं वो किस लिपि से, क्रोष्टी लिपि में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट होगा 2 नंबर, सहबाज गढ़ी और मान सेहरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ। यहाँ पूछा गया है गुप्त शासक, तो यहाँ पे आंसर होगा स्कंद गुप्त। कौन सा राइट होगा, स्कंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्नलिखित में से गुप्त शासन कला क्रमानुसार शासन अनुक्रम सही है। तो देखो यहाँ पे कौन सा सही होगा, गुप्त काल में सबसे पहले पूछा, सबसे पहले कौन हुआ था, तो देखो यहाँ चंद्रगुप्त, उसके बाद में समुद्रगुप्त, उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय कुमार गुप्त, उसके बाद में स्कंदगुप्त। तो इसका राइट होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानिए। तो यहाँ सत्य कथन को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 9 में है 3 नंबर राइट, रामानुज ने विशिष्टा द्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद और निंबारका ने द्वैता द्वैतवाद ने द्वैत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 3 राइट होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अलवार नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम, वैष्णव संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो है निजामुद्दीन ओलिया। कौन है, निजामुद्दीन ओलिया। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखो, भारत में मुगल सम्राट का संस्थापक कौन माना जाता है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बाबर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, कथन को छांटना है, कथन को देखना सही है या क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुगल साम्राज्य में विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता बढ़ने की शक्ति केवल मराठों में थी किंतु ऐसा नहीं हो पाया। कारण देखो इसका, मराठों ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक कार्यक्रम नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट है मित्रों, ए आर और दोनों सही है और आर ए की ठीक व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। तो ये चलाया गया बाल गंगाधर तिलक यानी बेसेंट के द्वारा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, चौराचारी कांड भी रीट में भी पूछा गया, घटना के बाद ऐसे आंदोलन को रोक देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस कमेटी कहाँ और कब पारित किया गया। तो मित्रों ये पारित किया गया
1922 बारदोली स्थान पर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखो, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ पे हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 16 पे राइट होगा आपका बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जून 1789 के दिन निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी जो पीछे सेकंड ग्रेड पूछा गया क्वेश्चन आई है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, टेनिस कोर्ट की शपथ थी, ये मित्रों पूछा गया है विश्व इतिहास में से क्वेश्चन आई है। पेरिस शांति सम्मेलन ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 भी देखो, 1919 में। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर है, ये 18 नंबर हो गया आपका 1919, और उसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? नॉर्मल सा क्वेश्चन मित्रों, तो ये था निकोलस शेकिन। उसके बाद में अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, पृथ्वी घूर्णन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो घूर्णन से क्या बनेगा? दिन रात का होना। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, पृथ्वी की आंतरिक परिसीमा में किन तत्वों की बहुलता होती है? देखो सी, यहाँ पे देखो सी यानी सिलिका और मै यानी मैग्नीशियम, तीन नंबर राइट। क्वेश्चन नंबर 21, वेगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड का नाम क्या दिया था? आने दो उत्तर, क्वेश्चन नंबर 22 में है, यहाँ महाद्वीपीय नाम आया है तो पेंजिया दिया गया, महासागर नाम आता तो क्या था? पेंथलासा। तो राइट नंबर 1 हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सर्वाधिक भूकंप किन क्षेत्रों में आता है? तो भूकंप के ज्वालामुखी की किसे कहा गया? प्रशांत महासागर को कहा गया। सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है किस में पाया जाता है? सर्वाधिक वायुदाब तो महासागरों में पाया जाता है, सागर तल पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी गई? तो आपको पता है हरमटन को दी गई। क्वेश्चन नंबर 26 भी आओ, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की प्रारंभिक किरणों से हमारी रक्षा करती है? सबको पता है ये। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2 होगा ओजोन। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस महासागर की सामुद्रिक धाराओं पर पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दो फटाफट, उत्तरी हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 28, दीर्घ ज्वार किन दिनों में आता है? तो आने दो, दीर्घ ज्वार कब आएगा? अमावस्या को या पूर्णिमा को आएगा, ये फाइनल है क्योंकि यहाँ से जीके की स्थिति बनती है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 में आने दो, वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है, वायुमंडल आपको पता है सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो पाई जाती है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से हिमालय की तरह कौन सा नहीं है? देखो हिमालय की तरह कौन सा है, ये ध्यान से पढ़ना भाई, कौन सा है? तो इसमें है जोजिला धरा, लादित हिमालय है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इनमें से कहाँ भारत में शीतकाल में वर्षा होती है? आने दो उत्तर, इन्हें माउंट की बात करा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तरी पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी घाटों पर, दक्षिण भारत, तमिलनाडु पर शीतकालीन वर्षा होती है? आंसर होगा दक्षिण भारत का, तमिलनाडु तट पर। उत्तरी पूर्वी भारत। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, चंबल बेतवा केन किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की, यमुना किसकी है? गंगा की। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, इनमें से भारत के किस क्षेत्र में लेटराइट मृदा पाई जाती है? लेटराइट मृदा देखो सर्वाधिक पाई जाती है केरल में। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर होगा दक्षिण का पठार। क्वेश्चन 34, वो भारत में वायुयान बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 34 बेंगलोर। इनमें से कौन सा खनन क्षेत्र राजस्थान में सस्ता जिस्ता का उत्पादक होता है?
आपको पता है आंगूचा, गुलाबपुरा। क्वेश्चन नंबर 35 वाला क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान की माल्टा का उत्पादन किस जिले की प्रमुखता से होता है? माल्टा, तो आने दो आंसर, माल्टा है गंगानगर में। माल्टा का उत्पादन कहाँ से होता है? गंगानगर से। क्वेश्चन नंबर 37, छप्पन का मैदान इन्हें किन जिलों में स्थित है? देखो, छप्पन का मैदान कहाँ पे है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो 37 का आंसर राइट होगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। राजस्थान की 2011 की अंतरिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो आपको पता है 926। कितना है? 926। राष्ट्रीय आय कर लेना, राष्ट्रीय आय कहलाती है, तो वो कहलाती है मित्रों साधन लागत पर, NNP। और ये क्वेश्चन नंबर 40, देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। यदि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 3,000 अरब रुपये, स्थिर पूंजी की खपत 400 अरब रुपये, परोक्ष कर 500 अरब रुपये और सब्सिडी 400 अरब रुपये, तो सकल उत्पत्ति क्या होगी? तो मित्रों आंसर आने दो, 3,500, 300 जोड़ लेना और 400 घटा देना, आंसर आ जाएगा 3,400। क्वेश्चन नंबर 41, देखो गलत समीकरण बताइए, गलत समीकरण बताइए। तो गलत होगा इसका साधन लागत बाजार मूल्य माइनस सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 42, देखो कीमत में वृद्धि के साथ उपभोग व्यय में वृद्धि बताती है कि संबंधित वस्तु की मांग की लोच है। तो मांग की लोच क्या होगी? वृद्धि होगी, उपभोग में वृद्धि बताती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आंसर होगा 21 से कम। क्वेश्चन नंबर 43, यदि अक्ष वस्तु की स्थापन वस्तु में कीमत गिरती है तो अक्ष की मांग भी घटेगी। मांग वक्र के बाएं से दाएं की ओर झुका होने का कारण नहीं है, तो मित्रों कौन सा कारण है? देखना एक बार, प्रदर्शन का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 45, देखो अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मात्रा घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगी, गिरेगी, क्या होगी? देखना एक बार, तो अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 46, देखो शाख विस्तार पर रोक लगाई जा सकती है, कब लगाई जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 46, बैंक दर में वृद्धि के द्वारा, वृद्धि के द्वारा। ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, ये पूरे टॉपिक क्लियर होने के बाद में भी अपन कर सकते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, किस 1947 में टू और किस 1948 में देखो व्यापक मुद्रा कौन सी है? व्यापक मुद्रा, तो देखो एक नंबर तो ये संकुचित है, तीन नंबर व्यापक कह दो या विस्तृत कह दो, तीन नंबर राइट होगा इसका। किस 1949 देखो, वह दर जिस पर व्यापारी बैंक अल्पकालीन के लिए केंद्रीय बैंक को उधार देते हैं, यानी केंद्रीय बैंक इनसे उधार लेती है, ये मान लो आप, इसका राइट कौन सा होगा? RRR होगा, रिवर्स रेपो दर। यानी केंद्रीय बैंक किसी व्यापारिक बैंक से अल्पकालीन के लिए जो ब्याज दर पर जो ऋण लेती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है केंद्रीय बैंक? केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है मौद्रिक नीति, क्या? मौद्रिक नीति। तो दोस्तों अपन देखेंगे 50 क्वेश्चन और बाकी 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।